नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के 100वें कार्यक्रम को लेकर आज फरीदाबाद में 900 जगह बूथ स्तर पर इसे लाखों लोगों द्वारा देखा और सुना गया है। वहीं फरीदाबाद के सेहतपुर इलाके में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर द्वारा बड़ी स्क्रीन पर हजारों लोगों के साथ इस कार्यक्रम को देखा और सुना गया है। जबकि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि देश में करोड़ों की संख्या में लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना, जो आज विश्व कीर्तिमान बनने जा रहा है। राज्य मंत्री ने कार्यक्रम की समाप्ति पर पत्रकारों से बातचीत भी की है। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अभी कुछ मिनटों के बाद आप सबसे मन की बात के 100वें जो एपिसोड है उससे आपसे जुड़ेंगे। आप जानते हैं इस मन की बात के प्रसारण के द्वारा का जो कार्यक्रम है, इस माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने आज मोदी जी के मन की बात का 100वां एपिसोड था, जो के लिए पूरे देश में बहुत जोश था और वो जोश यहाँ भी देखने को मिला। भारी संख्या में लोग उपस्थित थे और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश चल रहा है। और जी, इसमें सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने क्षेत्र की नहर पार की जनता को कि यहाँ जो मोदी जी के प्रति उनका प्रेम है और जो चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी सांसद जी का जब आज प्रधानमंत्री जी जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, आज उनके 100वें मन की बात को देश में करोड़ों। रायबरेली में नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी और उनके समर्थक मैदान में उतर गए हैं। इसी क्रम में हरचंदपुर के पूर्व विधायक राकेश प्रताप सिंह शाहमऊ कोठी में पहुंचकर लाल प्रताप सिंह उर्फ चंदन सिंह के मकान में एक सभा को संबोधित करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ही विकास का दूसरा नाम है और इसलिए रायबरेली शहर की जनता भाजपा को वोट देकर विकास के रास्ते पर दौड़ने को तैयार बैठी हुई है। तो वहीं सहारनपुर में भी नगर निकाय चुनाव की जंग लगातार जारी है। ऐसे में भाजपा विकास कार्यों के दावे कर जनता से वोट देने की अपील कर रही है। बता दें कि सहारनपुर में कुछ वार्ड ऐसे भी है जिसमें ना तो बीते पिछले सालों में कुछ विकास हुआ है, ना ही किसी प्रकार की कोई सुविधा क्षेत्रवासियों को अपने वार्डो 29 बेरीबाग को भाजपा राज में मिली है। यह पूरा मामला वार्ड 29 बेरीबाग का है, जहां निर्दलीय रूप से खड़े पार्षद प्रत्याशी अमित यादव ने बताया कि भाजपा ने विकास कार्यों की आड़ लेकर लोगों को धोखा देने का काम किया है। चुनाव सर पर है, आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में जनता को लुभाने के लिए सड़कों का निर्माण आचार संहिता में किया जा रहा है। तो वहीं ताजनगरी आगरा में भी मोहम्मद कासिम का तूफानी जनसंपर्क लगातार जारी है। बता दें कि निकाय चुनाव में राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं और इसी को लेकर मोहम्मद कासिम जनता के बीच जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। बताते चले कि कांग्रेस युवा मजबूत प्रत्याशी मोहम्मद कासिम जनता के बीच में जाकर तूफानी जनसंपर्क कर रहे हैं, जबकि जनता ने उनका फूल माला और पुष्प वर्षा करते हुए जोरदार स्वागत किया और मोहम्मद कासिम के समर्थन में वोट करने की भी बात कही है। खबर अमरोहा से है, जहां लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के 100वें एपिसोड कार्यक्रम में सम्मिलित होकर पीएम मोदी के उद्घोषण को सुना है। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित देवतुल्य कार्यकर्ताओं को सम्मानित कर क्षेत्रवासियों को संबोधित भी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कराए जा रहे विकास कार्यों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की प्रचंड बहुमत से जीत होने जा रही है।
तो वहीं गाजियाबाद में पीएम के मन की बात कार्यक्रम में शिरकत करने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पहुंचे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये महज एक रेडियो कार्यक्रम नहीं बल्कि ये विश्व का सबसे पावरफुल टूल है। इसका लोहा यूनेस्को भी मान रहा है। इसके संचालन प्रबंधक को लेकर पीएम ये बातें आवासीय और शहरी मामलों के मंत्री, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने यशोदा अस्पताल परिसर में पीएम के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को सुनने के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पीएम के मन की बात कार्यक्रम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। कि क्या बात है ये करने वाले, देखिए आज 2023 में है, क्या है ये स्वच्छता का जो आंदोलन है जन आंदोलन बन गया। इसमें हर एक व्यक्ति ने किया, नहीं तो पहले क्या होता था, आपने अपने घर की सफाई की और घर का जो पूरा कर मेडिकल सप्लाईज देश के अंदर, आप ऐसे एक अस्पताल में खड़े हैं, आप अस्पताल में खड़े हैं, उस समय हमारे पास ना पीपी किट्स थे, ना उस समय हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर थे। शुरुआत की तो ये जो बुराइयाँ थी उसके ऊपर अच्छाइयाँ हावी हो रही हैं। आप भी देखने लगे कि स्वच्छता कैसे होती है, आप भी देखने लगे कि देश के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैसे काम करते हैं, आपने भी अपना योगदान दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर, ये सब चीज़ें अच्छाई की तरफ चली। कोरोना के अंदर आपने साथ दे दी, ये प्रोग्राम शुरू हुआ उसके बारे में बात की और कैसे यार चेहरा आ रहा भाई का यार, जैसे कुछ चीज़ें जो वो जन आंदोलन बन जाए, कुछ लोगों के साथ वार्तालाप हुआ। तो यूपी में निकाय चुनाव की जंग लगातार जारी है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं ताकि जनता का समर्थन उन्हें ज्यादा मिले और डोर टू डोर जाकर लोगों से वोट देने की भी अपील कर रहे हैं। जबकि कानपुर के वार्ड 56 के कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी नूर आलम अज्जू भाई को एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो प्रत्याशी ने जुलूस निकाला, वही जनता के सभी वर्ग और लोगों से मिलकर उनकी बात को सुना और अपने लिए वोट भी मांगा है। सुल्तानपुर में आगामी 11 मई को नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए होने वाले चुनाव को लेकर अब प्रचार जोर पकड़ने लगा है। प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर दस्तक दे रहे हैं और प्रत्याशी और उनके समर्थक वोटरों से अपने अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। प्रत्येक प्रत्याशी अपने वार्ड और क्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ बनाने का नारा दे रहा है, जबकि कई प्रत्याशियों ने तो इसके लिए बाकायदा अपना चुनावी घोषणा पत्र तक जारी कर दिया है, जिसमें वार्ड की साफ सफाई, बिजली, पानी व्यवस्था और सड़क निर्माण के साथ साथ वीआईपी शहरों के तर्ज पर बनाने का तमाम कई ऐसे वादे भी किए जा रहे हैं। लंबुआ नगर पंचायत नई नगर पंचायत है, अभी तक यहाँ प्रधान थे, अब ये नगर पंचायत है, अध्यक्ष का चुनाव आज हो रहा है। रही बात समस्या की, तो अब यहाँ जो विकास संबंधित समस्याएं हैं, जो भी नाली अगर नहीं है, सड़क नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनने जा रही है। हम उस दिशा में काम करेंगे कि लभुआ का वातावरण, लभुआ स्वयं में एकदम स्वच्छ हो और शुद्ध पानी, पीने का पानी हो। खबर श्रावस्ती जनपद से है, जहां आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक निकाय चुनाव के दौरान एक जनसभा को संबोधित करने हेलीकॉप्टर से जगतजीत इंटर कॉलेज इकोना पहुंचे। वहां पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना, जिसके बाद डिप्टी सीएम को भाजपा जिलाध्यक्ष महेश मिश्रा ओम, विधायक राम फेरन पांडे ने फूल माला पहनाकर और गदा भेंट कर उनका स्वागत किया है। वही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 4 मई को होने वाले प्रथम चरण के निकाय चुनाव में नगर पंचायत इकोना के प्रत्याशी शांति कंठरा और नगर पालिका भिंगा के प्रत्याशी राकेश गुप्ता को जिताने की लोगों से अपील भी की है। आज श्रावस्ती जनपद में प्रधानमंत्री जी की मन की बात हमने हजारों साथियों के साथ सुना है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो पूरे देश के जो विशिष्ट अपने जीवन में काम कर रहे हैं,
अनुकरणीय काम कर रहे हैं, अद्भुत योगदान दे रहे हैं, ऐसे लोगों को बगैर राजनीतिक बात किए पूरे देश की दुनिया की जनता के समक्ष लाते हैं और नए आविष्कार हैं, नए नए एक अपने जीवन में उन लोगों ने कार्य किए हैं, जैसे एक लाइब्रेरी चला करके गाँव के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जैसे पर्यटन के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, सैकड़ों उदाहरण आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे विशिष्ट कार्य करने वाले लोगों को विभिन्न अपने मन की बात के कार्यक्रमों में दिए हैं। भारत के प्रधानमंत्री रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह की चेन्नई में मूर्ति लगेगी। बता दें कि ये घोषणा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने की है और बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने विधानसभा में देश के 8वें प्रधानमंत्री स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की विशालकाय मूर्ति चेन्नई में लगाने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर नगर पंचायत कोराव में स्थित स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के स्कूल में खुशी का माहौल देखा गया। वही पूर्व प्रधानमंत्री प्रयागराज जिले के कोराव से सटे मांडा गांव के रहने वाले हैं और प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष रुद्र नारायण वाजपेयी ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह हमेशा देश के एवं दलितों के उद्धार के लिए काम किया करते थे। उन्हें सामाजिक न्याय का मसीहा बताते हुए उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने उनकी मूर्ति लगाने की घोषणा की है। बहुत ही अच्छा निर्णय है तमिलनाडु सरकार का। मैं आभार व्यक्त करता हूं एमके स्टालिन जी का। तमिलनाडु के सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों सदनों के नेताओं का और जिस तरीके से श्री एम के स्टालिन जी की सोच है, जैसा स्वर्गीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने दलितों एवं मसीहों के लिए जिस तरीके से काम किया, दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए जिस तरीके का काम किया है, उनकी उस सोच को सम्मान देने का काम जो एम के स्टालिन जी ने किया है, इसके लिए मैं तमिलनाडु सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। संबल में निकाय चुनाव को लेकर सियासी उथल पुथल लगातार जारी है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं और इसी को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क भी कर रहे हैं। वही अपनी पार्टियों की उपलब्धियां गिना रहे हैं। बताते चले कि जिलाध्यक्ष बसपा जितेंद्र कुमार ने संबल पहुंचकर सभा में लोगों को पार्टियों की खूबियां गिनाई है। असमोली के जिला सचिव भाई कुंवरपाल जी बैठे हुए हैं हमारे बीच। संबल के जिला सचिव भाई हरदौलाल जी हैं और संबल के विधानसभा अध्यक्ष भाई रविशंकर भारती जी हैं। बसपा का चुनाव हमारी 3 नगरपालिका परिषद और 5 नगर पंचायत हैं। पिछले चुनाव में भी हमारी जो है 1 नगरपालिका और 2 नगर पंचायत हम जीते थे और चौथी हमारी संबल की हमारे चेयरमैन साहब हमारे पार्टी ज्वाइन की थी, तो 4 हो गई हमारी। इस बार पूरे ज़िले में हमारी जो है 5 सीटें बहुत स्पष्ट क्लियर हो चुकी हैं, बाकी जो बची 3 सीटें उन पर हमारा संघर्ष जारी। आम आदमी पार्टी सांसद और वरिष्ठ नेता संजय सिंह बहराइच पहुंचे। वहां नेता ने रेसलर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। रेसलर और भाजपा सांसद बिजभूषण चरण सिंह के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अब दिल्ली पुलिस क्या करती है, बाकी मामलों में तो वो शेर बन जाते हैं। पीएम के सामने आकर रेसलर के मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। यूपी में हो रही बेमौसम बरसात और निकाय चुनाव के बीच केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली के सलोन तहसील क्षेत्र स्थित परसदेपुर पहुंची हैं, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री के 100वें मन की बात कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान स्मृति ईरानी ने पीएम के नारी सशक्तिकरण वाले बयान पर खुशी जताई और पीएम के मन की बात कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताया है।
खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।